हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उषा RA1 जीनियस फ़ोन की, जिसमें लगा हुआ है पैटेंट लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं, तो देखते रहने पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो भी कोड डालने हैं उसे एरर बता दिया है, रॉन्ग पैटर्न बता दिया है दोस्तों, ये खुल नहीं रहा है। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले हमें जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो हम अपने फ़ोन को जो है स्विच ऑफ कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसे स्विच ऑफ कर लेता हूँ। पावर ऑफ करने के बाद दोस्तों, आपको ऑन ऑफ वाला बटन और वॉल्यूम प्लस वाला बटन, दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना है दोस्तों। मैं देख सकते हैं दोस्तों, मैं दबा लेता हूँ ऑन ऑफ वाला बटन और वॉल्यूम प्लस वाला बटन। देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑन ऑफ वाला बटन और वॉल्यूम प्लस वाला बटन, दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना है। और जैसे ही आप स्क्रीन पर उसे लिखा हुआ है, आपको छोड़ देना है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दोस्तों, आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे बहुत सारे। तो आपको ऊपर से पाँचवें नंबर पे आना है, नीचे वॉल्यूम डाउन से वाइप डाटा फास्ट और रीसेट पे आना है आपको। पाँचवें नंबर पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। फिर आपको आने के बाद ऑन ऑफ वाला बटन दबाना है, फिर उससे दबाने के बाद यस पे आना है नीचे वॉल्यूम डाउन से। फिर आपको ऑन ऑफ वाला बटन दबा देना है वहाँ और ओके कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो फ़ोन का डाटा है वो हो जाएगा डिलीट। और फिर आपको एक बार ऑन ऑफ वाला बटन से रिवर्ट कर देना है फ़ोन, तो सारा डाटा हमारा जो है इसमें फॉर्मेट हो जाएगा और जो भी इसमें लॉक हमारा पैटर्न लॉक था वो हट जाएगा और हमारा पैटर्न लॉक बिल्कुल अब खुल जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास उषा का फ़ोन है तो आप इसी तरीके से उसका पैटर्न लॉक हटा सकते हैं। दोस्तों, हम देख लेते हैं हमारे फ़ोन का जो पैटर्न लॉक लगा हुआ था वो अभी हटा या नहीं हटा। तो बनी रही हमारी पूरी वीडियो के साथ, तो हमारा फ़ोन जो है वो ऑन होने वाला है। और दोस्तों, हाँ, आपका फ़ोन अगर ऑन होने के बाद कहीं आपका गूगल आईडी मांगता है तो उसकी वीडियो में भी मैं जल्द अपलोड करूँगा। उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कैसे गूगल आईडी बाईपास करते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। जैसे मान लो आपको पता नहीं ईमेल आईडी का, अगर आप भूल जाते हैं तो उसे कैसे रिमूव करते हैं, तो उसकी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल अब ऑन होने वाला है। और देख सकते हैं दोस्तों, जो है इसमें ऑन हो चुका है। अब करना है आपको गेट स्टार्ट, मैं कर लेता हूँ सेटअप नाउ। दोस्तों, बहुत से फ़ोनों में क्या होता है, यहाँ रुक जाता है, वाईफाई मांगता रहता है, वो खुलते नहीं हैं। तो वो वैसे ही खुलेंगे, मैं उसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फिर आपको मैं कर लेता हूँ यहाँ नेक्स्ट। और जो इसमें डाटा पड़ा था वो सब डिलीट हो गया और हमारा जो है पैटर्न लॉक वो अब इसमें से हट जाएगा और हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके हो जाएगा। मैं स्किप कर लेता हूँ इसे, स्किप एनीथिंग। और देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा फ़ोन है बिल्कुल ओके खुल चुका है। मैं इसमें देख सकते हैं दोस्तों, मैं लॉक लगा कर देख लेता हूँ अब जो लॉक हमारा पैटर्न लॉक था वो इसमें से हटा या नहीं हटा। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पहले लॉक आ रहा था वो हट चुका है।